यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं। हर प्रत्याशी अपने तरीके से चुनावी प्रचार में लगा हुआ है। वहीं वाराणसी में एक प्रत्याशी का अनोखा चुनावी जनसंपर्क चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी में 8 विधानसभाओं का चुनावी पारा चढ़ने के साथ जो डोर टू डोर कैंपेन के लिए अपने क्षेत्र में लोगों के घर घर जा रहे हैं, जहां वो वोट मांगने के साथ ही लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं और उनका इलाज भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर प्रत्याशी की, जिनका नाम डॉक्टर आशीष जायसवाल है, जो वाराणसी के उत्तरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी चुने गए हैं। ये घर घर जाकर न केवल चुनाव प्रचार कर रहे हैं बल्कि लोगों का मुफ्त में इलाज भी कर रहे हैं। दरअसल यूपी चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने वाराणसी के उत्तरी विधानसभा से डॉक्टर आशीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि उनके हाथ में पार्टी के चुनावी पर्ची के साथ ही मेडिकल किट और दवाइयां भी हैं, जो प्रचार के दौरान वोटर्स के स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जब अपना कैंपेन शुरू किया तो ये हमारे मन में आया कि जब हम लोगों के पास जा ही रहे हैं तो अगर उसके साथ जो हमारा सेवा का काम है चिकित्सा का, अगर उनको थोड़ी हम अपनी चिकित्सा की मदद भी उपलब्ध करा देंगे तो इससे लोगों का भला भी होगा और हमारी बात भी वो सम्मान से सुनेंगे और जो पार्टी का प्रचार का जो मुद्दे हैं उसको भी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो हम लोग जो भी जिसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सबका अपनी टीम के साथ निकलते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर चेक हो गया, शुगर चेक हो गया, किसी को हार्ट का अगर दिक्कत है तो उसका देख लेते हैं। जो भी उनकी पुराना दवा इलाज चल रहा है उसका रिकॉर्ड रिव्यू कर लेते हैं, तो उनको एक मदद भी मिल जाती है। और हम चूँकि लोगों के पास जा ही रहे हैं तो एक साथ दो दो काम भी हो जाते हैं। तो इसी विचार को लेकर के हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन के साथ एक डोर टू डोर मेडिकल विजिट का भी कैंपेन हम लोग साथ में कर रहे हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।